आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि अभी छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में हम लोगों को जो स्केड्यूल था जो काउंसलिंग का, उसे रिवाइज करना पड़ा है। तो यदि आप इसको रिवाइज्ड स्केड्यूल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो छठे चरण का जो अंतिम पड़ाव है वो है अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विद्यालयवार विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशन, और इसके लिए 10/12/2021 तक की तिथि दी गई। तो ये जो छठे चरण की प्रक्रिया है ये December 2021 तक चलेगी और विभाग का प्रयास रहेगा कि उसके इमीडिएटली बाद जितनी जल्दी हो सके हम सातवें चरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सके। छठे चरण में हम लोगों ने जो रिक्तियां ली हैं वो 30 जून 2019 तक के लिए है। तो इस दरमियान जो हमारी रिक्तियां हैं जो दो वर्षों में हुई हैं उनको भी सातवें चरण में सम्मिलित किया जाएगा। और हम लोगों ने जो प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों को प्रारंभ किया है उसके लिए भी हमें शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि कई विद्यालयों में 11वीं की कक्षा प्रारंभ किए जा सके। तो विद्यालय वार इसकी समीक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है ताकि सातवें चरण में कुल कितनी रिक्तियां हैं उनको हम आकलित करेंगे और साथ ही साथ उसका रोस्टर भी हम अप्रूव कराएंगे। जो भी छठे चरण की रिक्ति है जो हम नहीं भर पाएंगे किसी कारणवश, तो वो आरक्षण कोटिवार उसको सातवें चरण में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम छठे चरण को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं कि सातवें चरण की काउंसलिंग को, उसके लिए जो विज्ञापन है वो यथाशीघ्र विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाए। धन्यवाद।